जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, लाडलो आप सभी का कल से पेपर एसएसजीडी का शुरू होने वाला है और इसमें विशेष तौर करने की जरूरत है। कई बच्चे अभी, जैसे मैंने एक पिछला वीडियो जो कट ऑफ से आधारित वीडियो था वो मैंने डाला था और उसके नीचे कमेंट्स में मैंने एक कमेंट देखा था, वो था एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि सर इस बार एडमिट कार्ड आते आए हैं, क्या चक्कर है? क्योंकि आप अगर एडमिट कार्ड के नीचे लिखी हुई अगर टर्म्स, यानी जो आपके एग्जाम सेंटर की टर्म्स, अगर उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप गलती कर दोगे, एग्जाम देने से वंचित भी हो सकते हो। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या नियम है, और वो नियम पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि इस बार एक विशेष करके डिमांड की गई है। एक तो नवीनतम फोटो की और एक आधार लागू हुआ, वो भी कि आपको ई आधार, यानी जो डुप्लीकेट आप रंगीन प्रिंट करा लेते हो वो आधार कार्ड नहीं चलेंगे। जो ओरिजिनल ई आधार कार्ड होता है, जैसे पहले आता था जो ऑनलाइन निकलता है, उस टाइप का ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना चाहिए, वो भी आपको पढ़ना है ध्यान से। इसीलिए आपको बता दूं, जैसे आपके सामने जो एडमिट कार्ड आ रहा होगा ना, अगर आपने देखा तो जैसे इसका विकास चौधरी करके हमारा स्टूडेंट है, इसका एडमिट कार्ड देखो आप ये, ठीक है। और एडमिट कार्ड में ये पार्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से पार्ट के, उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये पूरे के पूरे जो नियम है वो आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे लाडलो, ठीक है। ये नियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम एवं निर्देश। इसमें एक चीज विशेष तौर देखो, पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो, इसको हाईलाइट किया गया है कि 2x3.5 सेमी की आपके पास में होनी चाहिए, ये स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप से कम एक फोटो युक्त वैध पहचान पत्र आपके पास में होना चाहिए, भले वो आधार कार्ड हो, आपका कोई और आइडेंटिटी कार्ड हो, वो होना चाहिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय पर निर्धारित स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचे, वो तो बाकी जो बातें आपको सबको पता ही है। बाकी आपको ये पढ़ लेना विशेष तौर पर, एक तो फोटो की, एक जो पासपोर्ट ले जा सकते हो, ड्राइविंग ई आधार प्रिंट ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, केंद्र और राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कर्मचारियों की जारी की गई सेवा पहचान पत्र, वो भी चलेगा, और भी जो भी आपका मतदाता पहचान पत्र है, पैन कार्ड, सब चलेगा, लेकिन ये ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और भी कई चीज जो निर्देश है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, बहुत जरूरी निर्देश है, ध्यान रखना पेपर देने से पहले। सभी परीक्षा लिए वीडियो निगरानी में होगी, यानी एक बार आपको ये जरूर पढ़ लेना चाहिए जिन भी बच्चों के आने वाले डेट में एग्जाम है। तो जो नीचे जो नहीं दिया गया उस लिंक पे क्लिक करोगे तब ये दिशा निर्देश आएंगे, तब आपको ये पटने हैं लाडलो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।